लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। तो हमने क्लास नाइन्थ का फिफ्थ चैप्टर पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ है लाइफ। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर सिक्स क्लास नाइन्थ का, टिश्यूज, जिसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सेल, ग्रुप्स ऑफ सेल विच हैज सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन, फंक्शंस बोलेंगे इसको। यानी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कई बार, स्टडी ऑफ ए टिश्यूज, ऊतकों का अध्ययन किस में किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंदर, हिस्टोलॉजी। और स्टडी ऑफ ए सेल्स क्या पढ़ेंगे? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो टिश्यूज टू प्रकार के हैं, प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू के अंदर हम जो मोस्टली पढ़ेंगे, मोस्टली सेल, सेल्स क्या होगी? डेड होगी। क्या होगी? और मोस्टली जो सेल है आर लिविंग, यानी जीवित होंगी। और जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इन ए स्पेशल रीजन, और जो ग्रोथ होती है एनिमल के अंदर, ग्रोथ इन ऑल ओवर बॉडी, ऑल ओवर बॉडी के अंदर होती है। थर्ड पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे जो ग्रोथ होती है इन, ग्रोथ इन द प्लांट सेल आर लिमिटेड रीजन या स्पेशल रीजन ऑल ओवर द बॉडी। और प्लांट क्या होते हैं? जो पॉइंट पढ़ते आते हैं, स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी और फिक्स्ड। और ये क्या करते रहते हैं? दे आर मूविंग, मूविंग ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गति। तो ये हमने डिफरेंस पढ़े प्लांट टिश्यू के अंदर और एनिमल टिश्यू के अंदर। अब टू क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के। पहला है व्हाट इज टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल, हमने अभी लिख के यहाँ पर बताया था। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू विच ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ए टिश्यू, ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर पूछा गया है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो टिश्यू, उसका क्या लाभ है? ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, और टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, फॉर एग्जांपल मसल सेल फॉर्म मस्कुलर टिश्यू फॉर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सिमिलरली जो नर्व सेल फॉर्म नर्वस टिश्यू को बनाती है विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, जो मैसेज को क्या करती है? ट्रांसमिट करती है। इसका आंसर ऐसे हम लिख सकते हैं। जो आगे है प्लांट सेल के टाइप, प्लांट्स टिश्यू सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक, इसका अर्थ होता है डिवीजन से संबंधित। जैसे हम किसी ग्लास जार के अंदर, जैसे ये ग्लास जार है, इसके ऊपर एक ओनियन बल्ब रखेंगे, क्या रखेंगे? ओनियन बल्ब, नीचे से इसको पानी का फुल ऑफ
जार भर देंगे या भर देंगे, तो कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम डेज रूट्स ऑफ ऑनियन स्टार्ट्स, रूट्स ऑफ ऑनियन, ये इस तरह का प्रोसीजर दो ग्लास जार के अंदर करेंगे, दोनों पे क्या रखेंगे ऑनियन बल्ब, क्या रखेंगे ऑनियन बल्ब, इस तरह से रूट्स निकलेंगी, इसको वन नाम दे देते हैं, इसको टू नाम रख देते हैं, और कुछ समय बाद या दो तीन दिन के बाद हम इसकी रूट्स को कट कर देते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं, तो एक समय के बाद ये आफ्टर स्मॉल टाइम दीज आर नॉट ग्रोविंग अगेन, दोबारा से ये बढ़ती नहीं है, क्योंकि जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो खो देते हैं, क्या कर देते हैं खो देते हैं। मेरिस्टेमेटिक है जो तीन टाइप का है इस तरह से, एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल जो मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन द स्टेम्स एंड रूट्स एट द टिप ऑफ ए स्टेम एंड रूट्स। देखो ये टिप है रूट्स की और स्टेम की टिप पे पाया जाता है। इसका काम क्या है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए स्टेम एंड रूट, जड़ों की और पौधों की जो लेंथ है उसको क्या करता है ये इंक्रीज करता है। द गर्थ ऑफ रूट्स एंड स्टेम, जो गर्थ या मोटाई कह लो, गर्थ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इज इंक्रीज बाय द एपिकल मेरिस्टम, किसकी वजह से होती है, जो गर्थ है किसकी रूट्स की और स्टेम की, वो किस कारण होती जाती है, लेटरल लेटरल मेरिस्टम, यानी इंक्रीज तो कौन करता है एपिकल मेरिस्टम, और जो मोटाई होती है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक की वजह से, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक है वो किस पे प्रेजेंट होता है, एट दी इंटरकैलरी लिखेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट होता है, एट दी बेस ऑफ नोड्स ऑफ लीव्स, लीव्स जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर कौन सा मेरिस्टेमेटिक होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक होता है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक है वो कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ नोड्स ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स भी लिख देते हैं। सेल जो है जो इसकी मेरिस्टेमेटिक्स की वो क्या होती है, लिविंग होती है, क्या होती है लिविंग, लिविंग के अलावा एक्टिव होती है, एक्टिव, और साइटोप्लाज्म है जो इनके अंदर पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, डेंस, यानी बहुत ज़्यादा गहरा कोशिका द्रव इनके अंदर क्या पाया जाता है, डेंस पाया जाता है, और किसकी बनी होती है, थिन सेलुलोज की, किसकी बनी होती है, थिन सेलुलोज की। इसके अलावा हैव परमानेंट न्यूक्लियस, इसके पास क्या होता है, परमानेंट न्यूक्लियस, क्या होता है परमानेंट न्यूक्लियस, और इनके पास दे लैक ऑफ वैक्यूल्स, इनके पास रसदानियाँ नहीं होती। अब पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, क्या पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, क्या पढ़ेंगे, एज दी प्लांट्स ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट्स की जो एज है वो बढ़ती जाती है, ग्रोथ उसकी क्या हो जाती है, रिटायर हो जाती है, रुकना शुरू हो जाती है, तो जो प्लांट टिश्यू परमानेंट है, दो तरह का, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में दो तरह का, ये भी कितने प्रकार का है, टू टाइप्स का है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव में क्या क्या आएगा बेटा, कॉर्क, कॉर्क जिसको बार्क भी बोलते हैं, और एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है, कॉर्क बार्क होती है, छाल होती है, और स्पोर्टिंग भी कितने टाइप का होता है, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा,
कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, इनका हम ईच डिस्कस वन बाय वन करेंगे। दोबारा देखो, प्लांट टिश्यू जो परमानेंट है दो टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, इनका बाद में डिटेल करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सिंपल परमानेंट ये भी दो तरह का होता है, प्रोटेक्ट करते हैं जो प्लांट्स को, किससे? कॉर्क से, कॉर्क और एपिडर्मिस। यहाँ भी सपोर्टिंग जो टिश्यू है ये तीन तरह का है, कोलन काइमा, पेरन काइमा और स्क्लेरन काइमा। इस तरह से ये इसके बारे में बेसिक था, टिश्यूज के बारे में। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह से हम ये ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ा था। सभी को नमस्ते, राम राम।